हम लोग नहाने के लिए रूम का चाबी ले लिया, जिसके वजह से हो गया अंधेरा, और ये टंगू राम हो गए हैं तैयार। टेंगू मम्मी बोल तू गिनती कर दे। हाँ ठीक है, टेंगू देखो वो लोग नहा रहे हैं, देख रहे हो कैसे नहा रहे हैं वो लोग। हाँ जा रहे नहाने। जाओ, नहीं अंदर जाओ स्विमिंग करना। देखो कैसे सब अंदर में स्विमिंग कर रहे। जाओ, यस, पैर फेंको, पैर चलाओ पैर को पानी को पैर से मारो। छोड़िए इसको, छोड़ दीजिए। पानी ठंडा है उधर। सुनो एक सुनिए ना, उसको तब स्विमिंग सिखाइए ना। इसको एक काम करिए ना, स्विमिंग सिखाइए, हाथ से कैसे पानी हटाते हैं सिखाइए, खुद से करिए, वो सीखेगा। देख रहा ऐसे करते हैं, देखिए। नहीं, जाओ पापा के साथ करो, जाओ साथ में करो। देखो पापा कैसे पानी पुश कर रहे हैं, वैसे करो। जाओ करो तुम भी करो। हाँ करो, करने दीजिए करने दीजिए। ए नहीं छोड़ी। हाँ पानी में तैर रहे बेटा। ओम नमः शिवाय। किचड़ा नहीं है, तैरो तुम। हाँ चलो तब उसको निकल जाओ। ओम नमः शिवाय। पापा की गाड़ी में कैसे करते हो ओम नमः शिवाय? दोनों लोग हाथ जोड़ के करो। देखो उठा देता हूँ। मैं तो गिर गया बेटा। अच्छा सुनो, तुम करो ओम नमः शिवाय, तुम करो। नाक में पानी चला जा रहा है, करो ओम नमः शिवाय करो। चलो बेटा जल्दी चलो नहा के फिर झूला खेलना है। चलो ना बच्चा, ये कौन सा तैरना है? अरे 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 ये कौन सा तैरना? चलिए चलो जल्दी चलो, होली है। अब आप चलते हैं बेटा। अभी हम लोग निकल रहे हैं झूलने के लिए, पहले जाएंगे सर से देखने के बाद से फिर इसको देखेंगे। तो मैं ऑटो से ऑटो रिजर्व करके वही सर से आगे लोनावला के शूटिंग पॉइंट पे, तो हम लोगों ने सोचा कि चलो इसका एक वीडियो उठा लेते। तो यहाँ पे रुकी हुई है ऑटो, और ये मतलब जब भी इसका सीज़न होता है रेनी सीज़न, तो उस समय ये सारे वाटरफॉल से इसका लुक पता नहीं कैसा आता है, ये तो मुझे भी नहीं पता, बट भैया बता रहे थे कि काफ़ी अच्छा इसका व्यू आता है।
तो वो तो हम लोगों ने मिस कर दिया। तो ऑफ सीज़न में आने का ये एक डिसएडवांटेज रहा, लेकिन हाँ ये है कि सुकून से इंसान सारी चीज़ें देख सकता है विदाउट गैदरिंग के और बिना किसी परेशानी के। नहीं तो बारिश में भीगने की प्रॉब्लम, बेबी है जिसका उसको भी प्रॉब्लम होगी, ये देख सकते हैं। हाँ देखो ये पानी पी रहे हैं, ये देखो छोटा मंकी, देखो देखो कैसे आ रहे, देखो वो देखो इतने सारे मंकी, बहुत सारे मंकी बेटा यहाँ पे। मुझे ऑफ सीज़न में आने का मतलब काफ़ी रिग्रेट हो रहा था कि मैंने वाटरफॉल नहीं देखा, बाकी सारी चीज़ें नहीं देखी, लेकिन अभी सुकून मिल रहा है कि चलो गैदरिंग भी कम है, इंसान आराम से सारी चीज़ें देख भी सकता है, सारी व्यूज ले सकता है अच्छे तरीके से सुकून के साथ। और अभी ऑफ सीज़न होने के बाद भी देख सकते हैं कि मतलब अच्छी खासी गैदरिंग है। और बोल रहे थे कि अगर आप रेनी सीज़न में आएंगे तो यहाँ पे पैर रखने की भी ज़्यादा नहीं मिलती, तो वैसे में एक तो रेनी सीज़न है उसमें भी इस तरीके की अवस्था रहेगी तो इंसान कुछ भी कर नहीं पाएगा। और वे लगे हुए खिलौना लेने में, अपने पापा को परेशान कर दिए खिलौना खिलौना खिलौना, तो ये खिलौने के चक्कर में पड़े हुए। वो नहीं है, शाम हो रहा है, देखो धीरे धीरे कैसे शाम हो रहा है, देखो उधर ये बजरंग बली बैठे हुए, देखो कितने सारे हैं। सनसेट पॉइंट से हम लोग निकल गए, बाइक राइडिंग भी अच्छी खासी हो जाएगी। आप तो वेदू को चलाना था कार, तो अभी ये चला रहे हैं और मेन इन्हीं के लिए हम लोग आए हुए हैं ताकि ये आराम से अपना गेम खेले, क्योंकि ये फेड अप हो गया था। कैसा लग रहा है वेदू, कैसा लग रहा है? अरे 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 फिश पैडी की ओर हो रहा है, करोगे तुम? तो ये हो रहा है, डर नहीं लग रहा, देखो पापा की फिश कैसे प्यार कर रही है सर। बाप रे, प्यार कर रही है, खतरे में हम बचाओ। आओगे तुम? मम्मी पापा को तो आओगे, मम्मी पापा को तो नहीं। और बाप रे कैसे पकड़ गया सब, देखो तो अभी हम लोग आ गए, ये नारायणी धाम देख सकते हैं यहाँ पे। तो वे तो पहले ही प्रणाम कर रहे हैं, सबसे इनका काम रहता है जब टेंपल में घुसते तो प्रणाम कर, बहुत बड़ा टेम्पल है यहाँ का, कार भी यहाँ पे। ये व्यूज देख सकते हैं, काफी अच्छा व्यूज है। कैसा लग रहा है विदु? ये लग रहा है गोरखनाथ का जैसा। हाँ पानी है विदु, खिलखी गुलाब की सौंधी सौंधी खुशबू आ रही थी, तो मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि कहाँ से आ रही, तो ये यहाँ मैंने देखा बहुत सारे रोज़ के प्लांट हैं यहाँ पे, मतलब सिर्फ रोज़ के ही प्लांट देख रहे हैं, देख सकते हैं ऐसे। ये बाहर का व्यूज रहा, मतलब ये मुझे एवरेज एवरेज कुछ गोरखनाथ बाबा का दर्शन सिमिलर सिमिलर सा कुछ लुक आ रहा है। काड़ी रोड जो है बनारस का, वो ये एरिया वैसा ही दिख रहा है। कैसा लग रहा है बेटा वो? अच्छा लग रहा है। क्या है वो?
रेड कलर। वो उसको क्या बोलते हैं? बोलो। उसको बोलते हैं फाउंटेन। फाउंटेन नहीं, नहाना। नहाना, ठीक है। हमको निकले हम लोग टहलने वॉकिंग पे, और ये पेंगुइन को मेंढक बोल रहे मेंढक निकल जा रास्ते में। और व्यूज दिखाती हूँ मैं इस रिजॉर्ट का, काफ़ी अच्छा खासा व्यू। नंगे पैर निकले हुए हम लोग थोड़ा सा खाना खा के टहलने के लिए, और कुछ लोग इधर साइड में टहल भी रहे। ये योगा के लिए है शायद, मे बी यहाँ लोग टहल रहे, देख सकते हैं। आप सोचिए इधर कर लेते हैं व्यूज, देख सकते हैं इसका रिजॉर्ट का। इनको झूले का ही पड़ा रहता, अभी इतना झूला झूल लिया इनको झूले। क्या है झूला देखो, हाँ तो सुबह आके झूलेंगे। नहीं मम्मी आज झूलेंगे। आज झूलेंगे इतनी रात में? मेरा मेरा राम राम भी ले जा, मेरी हार हार भी ले जा, मेरी जीत जीत भी ले जा, मेरी मेरा गम भी ले जा, मेरा हर जख्म भी ले जा, मेरा नाम नाम भी ले जा, मेरा काम भी ले जा। तो मिलते हैं आप कल नेक्स्ट ब्लॉग में, आज के लिए बस इतना ही। टाटा बाय बाय, गुड नाइट। बोलो भेदू गुड नाइट, गुड नाइट।